नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये ग्रीन टच कंपनी और सोवरेन सोसाइटी की एक प्रॉपर्टी है जो ना तो किसी ब्रोशर में दिखाई गई थी, ना ही सेबी में शो की गई है, ना ही निवेशकों का जो भुगतान जिस प्रक्रिया से होगा उस प्रक्रिया में यह प्रॉपर्टी कहीं भी शो नहीं की गई है। ये बनारस में करोड़ों का एक होटल है मेन रोड पर, जहाँ कंपनी अपना ब्रांच ऑफिस चलाती थी, जहाँ निवेश लेती थी, उसी के पास में ये होटल खरीदा था। सोवर्जन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ये होटल खरीदा गया था। इसमें दो लोग ओनर बने थे, श्याम सुंदर डे और राजेश कुमार शर्मा, जो कंपनी के GM और श्याम सुंदर डे कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी 28 दिसंबर 2015 को खरीदी गई थी। 11:20 पर इसकी रजिस्ट्री हुई थी। ये इसका सर्टिफिकेट नंबर है और ये इसका एड्रेस दिया है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में, सिगरा रोड पर है ये। दोस्तों इसकी जो पेपरों में जो इसकी कॉस्ट दिखाई गई है वो दिखाई गई है 3,75,00,000 रुपए। जब तक हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी को इससे ज़्यादा पैसा चुकाया गया हो ब्लैक मनी, क्योंकि ये संपत्ति आज की तारीख में 6-7 करोड़ की है। क्योंकि तब लोग ये बताते थे कि 5-6 करोड़ की खरीदी है। इस पर स्टाम्प ड्यूटी 26,00,000 रुपए जमा की गई है और ये सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से है। साथियों इसको गवर्नमेंट को या जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है उसको इसको हैंडओवर करके, इसको सेल करके निवेशकों का पैसा दिलवाना चाहिए या स्वयं कंपनी को बेच करके निवेशकों का पैसा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है, समय निकला नहीं है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें, आगे आपको पूरी रजिस्ट्री और होटल के फोटो जो प्रेजेंट में आज ही फोटो खींचे गए हैं वो आपको दिखाएंगे और पूरी रजिस्ट्री होटल की वो दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें। नमस्कार साथियों, ये सोवर्जन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिस प्रॉपर्टी का ब्यौरा ना ही किसी ब्राउज़र में, ना ही गवर्नमेंट को कहीं भी नहीं दिया गया है। इस प्रॉपर्टी के हम आज के ही खींचे हुए फोटो भी आपको दिखाएंगे और ये उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत चीज़ें इससे क्लियर होंगी। एक नज़र डालते हैं इसकी रजिस्ट्री पर। दोस्तों ये प्रॉपर्टी 3,75,00,000 रुपए की ऑन पेपर खरीदी गई थी। हो सकता है इससे ब्लैक में पैसा ज़्यादा चुकाया गया हो। स्टैंप ड्यूटी इस पर लगी है 26,25,000 रुपए की और ये श्याम सुंदर डे जो सोसाइटी के चेयरमैन और ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड के मालिक संचालक और सोवरेन मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसाइटी के भी मालिक संचालक हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम से खरीदी गई, श्री श्याम सुंदर डे पुत्र श्री स्वप्न कुमार डे, पैसा व्यापार निवासी P164/1 प्रथम तल CIT रोड 7M कोलकाता,
श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र किशोर शर्मा, पैसा व्यापार निवासी P 164/1 प्रथम तल CIT रोड सेम नेम कोलकाता। दोनों का एड्रेस एक ही है। ये एड्रेस सोवरेन सोसाइटी का, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड का, हेड ऑफिस का एड्रेस है ये। ये इसमें डिटेल दी हुई है। ये बेचने वाले के और ख़रीदारों के नाम हैं। ये प्रॉपर्टी श्याम सुंदर डे और राजेश कुमार शर्मा के नाम से है और सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से दोनों ने ओनर ने ख़रीदा है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी 28 दिसंबर 2015 को 11:20 पर इसकी रजिस्ट्री हुई है सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, पार्ट ऑफ RG नंबर 479, हाउस नंबर D64/129, ईस्ट सिगरा मौजा शिवपुरवा वाराणसी, 3,75,00,000। फर्स्ट पार्टी है अनिल कुमार भाई और सेकंड पार्टी है सोवरेन मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसाइटी। 26,00,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी है। ये जब प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी तो ये फ़ोटो दिया है उसमें, इस तरीके की ये प्रॉपर्टी दिखाई देती थी उस समय। ये सभी डिटेल्स जो रजिस्ट्री में होती हैं। ये दोनों लोग हैं सोवरेन सोसाइटी के, जो दोनों राजेश कुमार शर्मा और श्याम सुंदर डे, जिन लोगों ने ओनर बन के इसको ख़रीदा है। बहुत अहम बातें हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड के जो अकाउंट हैं उनसे भी पेमेंट किया गया है। IDBI बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, ये सोवरेन सोसाइटी के नाम से थी, इलाहाबाद बैंक ये ग्रीन टच की हैं, धनलक्ष्मी, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये धनलक्ष्मी, ये सोवरेन सोसाइटी के नाम से ये अकाउंट बनारस में ऑपरेट होता था कंपनी के जनरल मैनेजर राजेश कुमार शर्मा द्वारा। ये टोटल इस तरीके से पेमेंट दिया गया इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी का कहीं भी ये इसकी रजिस्ट्री है, इस प्रॉपर्टी का कहीं भी किसी ब्रोशर में फोटो नहीं छपा, सभी लोगों को बताया नहीं गया ये इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है। और इसके हम आज के आपको फोटो भी आपको दिखाएंगे जो आज ही खींचे गए हैं। ये प्रॉपर्टी 3,75,00,000 रुपए में ख़रीदी गई है। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा की है। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका करंट का फ़ोटो। ये बताया, सभी लोगों को बताया गया ये होटल का नाम है, बताया गया है ग्रीन व्यू। ये सिगरा रोड पर है, इससे थोड़ा सा आगे चलकर ही ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड और सोवरेन सोसाइटी का ऑफिस हुआ करता था जिसमें निवेश लिया जाता था, और ये होटल निवेशकों के पैसे से ख़रीदा गया है।
जिसको बेच करके निवेशकों का पैसा दिया जाना अति आवश्यक है। सुनाया गया है कि इस होटल पर इस समय कंपनी के जनरल मैनेजर और अन्य लोगों का कब्जा है। तो दोस्तों, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक सूचना पहुँचाएँ। अगर किसी की नॉलेज में और कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो तो वह उसकी डिटेल हमें बता सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।